तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सुहेल शेख, जिनके तकरीबन 4.3 मिलियन फैन हो चुके हैं इस वक्त टिकटॉक पे। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। तो सुहेल भाई, आपके 4.3 मिलियन हो गए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में। जर्नी टिकटॉक की, अगर मैं जर्नी की बात करने जाऊँ तो मुझे कुछ भी नहीं पता था टिकटॉक के बारे में ना। मुझे, मैं देखता था डब मैश वगैरह, बट टिकटॉक पहले तो म्यूजिकली था तब हम बनाते थे, उसके 2 महीने का टिकटॉक हुआ। तो ऐसी कॉलेज के मतलब फ्रेंड्स लोग बोलते थे, यार तू भी बनाया कर, आजकल सब इससे मतलब पॉपुलर हो रहे हैं और तेरी जो पागलपंती यहाँ शो कर तू, शायद से लोगों को पसंद आए। तो एक दिन रात में मैंने ऐसे टाइम पास करते करते ऑन करा टिकटॉक पे अकाउंट, बनाया वीडियो डाला रात में, एंड सुबह देखा नहीं उसके बाद मैंने ओपन करके। सीधा सुबह दोपहर में मेरे दोस्त का कॉल आया कि भाई तूने कुछ टिकटॉक की आईडी बनाया क्या? बोला हाँ। अरे बहुत वीडियो वायरल हो गए बोले। तो मैं सडनली आके ओपन करा, 3 मिलियन उसको व्यू, और वो टाइम पे म्यूजिकली टाइम पे 3 मिलियन व्यू बोले तो बहुत ज़्यादा होता था। तो फर्स्ट वीडियो से ही मुझे मतलब अच्छा खासा लोगों का प्यार मिलने लगा। तो ऐसे बनाते क्या मैं वीडियोस, और अलहमदिल्ला अभी 4.3 मिलियन फैंस हो गए टिकटॉक पे आप लोगों की वजह से। तो यहाँ तक आने के लिए कितनी प्रॉब्लम देखना पड़ा, कितने लोग का साथ मिला और कितने लोग का साथ छूटा उसमें? साथ छूटा तो नहीं बोलूँगा, बट मिला बहुत लोगों का, स्पेशली मेरे फैमिली का। स्टार्ट मतलब फैमिली ने इतना सपोर्ट किया, मैं ऊपर वाले का थैंकफुल हूँ कि उसने मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स दिए हैं। मेरा ब्रदर, मतलब मेरी मम्मी तो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, डैडी मम्मी हमेशा सपोर्ट कर, और ब्रदर मेरा मतलब वो तो मेरी बैकबोन की तरह है। मेरे जितने भी अपडेट होते हैं सब वो करता है, जितने भी रिप्लाई वगैरह होते हैं, मेल्स वगैरह चेक करना होता है, सब A to Z वही हैंडल करता है। एंड क्योंकि अकेले से नहीं हो पाता है, अगर डेली तुमको दिन में अगर तुमको 2000 लोग मैसेज करते, तुम रॉबोट नहीं हो, तुम रिप्लाई नहीं कर सकते इतने लोगों। तो मेरा ब्रदर और एक मेरा फ्रेंड है जो मेरा आईडी यूज़ करते हैं, वो लोग ये सब चीज़ का रिप्लाई करते। और साथ छूटे की बात, हाँ कुछ लोग आए थे बैक बिचिंग कर रहे, मतलब पहला मैंने उनको बहुत सपोर्ट किया, मतलब ऐसे थे कि लोग जीरो पे थे, उनको सपोर्ट किया, उनको बहुत आगे बढ़ाया। बाद में उन लोगों ने बैक बिचिंग किया तो मैं सीधा हट गया पीछे, क्योंकि कैसा है ना, आज तुम किसी के साथ करो कल तुम्हारे साथ भी कोई करेगा, ठीक है? तो मैं सीधा उनका साथ छोड़ दिया, वन मैन शो करने गया। अभी तो अलहमदिल्ला मेरे साथ एक फैमिली बन गई टिकटॉक की, खुशी हो गई। और भी मेरे साथ बहुत सारे फ़ैन हैं, सोफिया है, आबिद है, बहुत सारे दोस्त हैं। तो जैसे कि देखा जाता है टिकटॉक का वीडियो बनाने के लिए, वीडियो जो वीडियो बनाता है उसके लिए और भी ज़रूरत पड़ती है, बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए, तो उसमें आपका स्टार्ट में किसने मदद किया? अभी तो बहुत से लोग करते स्टार्ट होंगे, में मुझे जब आप कुछ नहीं थे तब स्टार्ट में मुझे मदद किया, कितने लोग ने मदद किया ऐसा मैंने बोला ना, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन रहा उस टाइम पे जब आप कुछ नहीं थे तब? ऐसा तो कुछ नहीं यार, मैं हमेशा मतलब एक मैं पॉजिटिव बंदा हूँ बहुत, मतलब मैंने एक मेरा एक आदत है, मैं कभी किसी को जल्दी हार जुड़ नहीं करता, हर किसी को पॉजिटिव वे में रहता हूँ, क्योंकि ऐसे हम किसी को इज्जत देंगे तो वो हमें इज्जत देगा। तो मुझे सपोर्ट सबका ही मिला, मतलब सबने अप्रिशिएट ही करा। हाँ हेटर्स तो होते ही है, हेटर्स होना भी बहुत ज़रूरी है, कॉज अपने फैंस से ज़्यादा अपने हेटर्स लोग अपना हमारा अपडेट रखते हैं, वो तो ज़रूरी है। तो है, और जैसे देखा जाए कि टिकटॉक की जर्नी के लिए आप क्या करते थे? क्या करते थे? डेली वीडियो बनाओ, पॉजिटिव वीडियो बनाओ, किसी को टिकटॉक की जर्नी के पहले, अच्छा जर्नी से पहले, अरे जर्नी से पहले तो बहुत सिंपल लाइफ थी, सुबह उठो कॉलेज जाओ, स्टडी करो, क्लासेस जाओ, स्टडी करो, यही सब था। और मैं अपने लाइफ में जिम ट्रेनर हूँ, सर्टिफाइड इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो मैं जिम जाता था, जॉब करता था, स्टडी करता था, ये थी मेरी पूरी लाइफ। टिकटॉक पे अब तक आपका इंस्पिरेशन कौन रहा, अब तक जब से टिकटॉक चालू हुआ उसके बाद में? इंस्पिरेशन ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं मुझे पसंद है, सबका अपना अपना यूनिक यूनिक टैलेंट है, आई अप्रिशिएट, बट पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अवेश दरबार, बिकॉज वो एक बंदा है जो हर एक चीज़ कवर करता है, एक्टिंग, डांस, कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन, ओवरऑल सब चीज़। और जैसे कि देखा जाता है आपका कई माँ का भी वीडियो बनाते हैं, आप माँ के ऊपर बहुत अच्छा रहता है, उसके बारे में क्या कहना, कितना सोचना पड़ता है, कितना टाइम जाता है उसमें? पूछो मत भाई, मतलब टाइम तो ऐसा होता है कि होता है रात में हम सोने से पहले माइंड चलते रहता है, तो मेरे माइंड में यही चलते रहता है कि मैं कल क्या बनाऊँ, क्या कंसेप्ट बनाऊँ। और मुझे मेरी मम्मी के ना वो चेहरे पर स्माइल देखना बहुत पसंद है, अगर मैं ऐसी कुछ वीडियो बनाता हूँ ना तो जब वो रात में, मैं उन्हें बताता नहीं हूँ कि मैंने ऐसी वीडियो बनाया, जब मैं वो वीडियो डालता हूँ और मम्मी जब भी रात में ऐसा नहीं कि उनके व्हाट्सअप के स्टेटस पे रखना चाहती है वीडियो, तब वो देखते ना तो उनके चेहरे पे जो स्माइल होती है ना वो देख के नहीं कि आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग आती है। तो कोई एक ऐसा फैन जिसने एकदम पागल बनती कहीं आके आपको जब पकड़ लिया? एक रिसेंटली एक या 2 महीना पहले मैं मरीन्स पे वीडियो बना रहा था, सडनली एक लड़की भाग के और मुझे हग कर ली, एंड वीडियोज़ वगैरह उसने बनाया टिकटॉक का, एंड उसके बाद उसने प्रपोज कर दिया मुझे वहाँ पर।
और सब लोग कैमरा ऑन था, तो मैंने उसको उठाया समझाया चला गया मैं वहाँ से चुपचाप। अच्छा, और फेम मिलने के बाद और फेम मिलने के पहले की लाइफ में कितना फर्क आया है, क्या क्या मुश्किल आती है फेम मिलने के बाद उसके पहले? फेम मिलने के बाद तो मुश्किल तो मतलब लाइफ तो यार स्ट्रगल से भरी पड़ी है। लाइक फेम मिलने के बाद ऐसा मतलब आज फील होता है ना कि इतनी इज्जत मिलती है लोगों से। थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोग इतनी इज्जत देते हो, ऐसी हमेशा देते रहो मुझे, हम सबको, हर किसी को। मुश्किलात ज़्यादा नहीं आए मुझे इतने कुछ। तो पहले की लाइफ में और अभी की लाइफ में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है लाइक पहले थोड़ा सिंपल सोहेल होता था, अभी थोड़ा यू वाला सोहेल है। और अपने फैंस को और अपने टिकटॉक यूज़र को क्या मैसेज देना चाहेंगे? टिकटॉक यूज़र को तो मैसेज देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो लोग अपना काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से। हाँ, जो फैंस है और जो टिकटॉकर्स अभी अभी बनाना शुरू कर रहे हैं वीडियोज़ वगैरह, तो मैं ये बोलूँगा कि आप लोग जो स्टंट वाली वीडियो करते हो या ऐसा कुछ वीडियो करते हो, एक टिप देना चाहूँगा आपको, अच्छे से सुनना ये, कि आप अगर कोई रोड साइड वीडियो बनाते हो तो मत वीडियो बनाओ क्योंकि आपकी वीडियो बैंड हो जाएगी। डांस वीडियो बनाते हो रोड साइड, वो भी मत बनाओ। ऐसी कुछ चीज़ यूज़ मत करो वीडियो में जिसको अगर कोई बच्चा यूज़ करे आपको देख के तो उसको प्रॉब्लम ना हो, मतलब कुछ इशू ना आए, मतलब ऐसा कि उसको मतलब नुकसान ना हो उस चीज़ से। तो मैं बोलूँगा ये सब मत बनाओ, कंटेंट लाओ, कुछ यूनिक लाओ, ऐसा कंटेंट लाओ कि किसी ने नहीं लाया, किसी को मतलब तकलीफ़ मत दो। जैसा कोई कास्ट होता है, कोई धर्म होता है, किसी के धर्म को तकलीफ़ मत दो, मैं ये बोलूँगा। आजकल ये टॉपिक बहुत एकदम गर्मा गर्मी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन ये बोलूँगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, अच्छे से रहो, प्यार मोहब्बत में रहो सबके लिए। और ये सवाल कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छा, और एक लास्ट सवाल कि टिकटॉक से आप कितना कमा लेते हो? टिकटॉक से कितना कमा लेता हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कमा लेता हूँ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।